दुनिया को शांति व एकता का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर नगर के सभी गिरजाघरों में मसीही समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने इस अवसर पर आयोजित विशेष प्रार्थना सभाओं में भक्ति भाव से शिरकत की। सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ महागिरजाघर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व बिशप डॉमिनिक कोकट CST के नेतृत्व में क्रूस रास्ता जुलूस निकाला गया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मुक्तदायी बलिदान के दिवस को स्मरण करने वाली धार्मिक पूजन विधि सैकड़ों विश्ववासियों एवं पुरोहितों के साथ प्रारंभ करते हुए प्रार्थना की गई। गिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर ग्रेगरी, फादर CB जोसेफ सहित मसीही समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फादर CB जोसेफ ने कहा, माता की आंखें फूट गड़ी, बेटी का देखा जब पांचवा स्थान शरीर और तुझे धन्य करते हैं। आप हो गया सहलीय बोझ को उठाकर वह धीरे धीरे गोलगोथा की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, परंतु उनकी शारीरिक शक्ति आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। अतः यह देखकर कि अब यीशु की शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है और वह मरने मरने पर है, तो इससे यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह कहीं रास्ते में ही न मर जाए, क्योंकि यहूदी चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए। इसलिए उन्होंने सिरेने निवासी सिमोन नामक एक व्यक्ति को, जो खेत से घर लौट रहा था, बलपूर्वक पकड़कर यीशु का क्रूस ढोने का आदेश दिया। पहले तो अनजाने में शायद सिमोन यीशु के उस अपमानजनक क्रूस को ढोने में हिचकिचाया होगा, किंतु जब उसने यीशु की दयनीय दशा देखी तो उसका हृदय बदल गया होगा। इसलिए तो वह प्रसन्नता पूर्वक यीशु का क्रूस ढोने लगा और उसको अपना सौभाग्य माना। And he calls again the third time. At this station, we ask pardon for our failure to respond to the social situation. To live in harmony with one another. You have to answer the seeds of your word in all obedience, so that we may relate to one another in love. For Christians, छोड़कर भाग खड़े हुए उन क्रूर निर्दयी अन्यायी तथा अत्याचारी सैनिकों ने खुलेआम यीशु के शरीर के घावों से चिपके वस्त्रों को खींच कर अथवा अत्याचार भी नहीं किया था, बल्कि जीवन भर सबकी भलाई की। फिर भी उनको दोषी ठहराया गया, उनको क्रूस पर मौत की सजा सुनाई गई। तो
प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त। लगभग 3 घंटे तक प्रभु यीशु अपने हाथ पसारे क्रूस पर लटके रहे। उनके पावन शरीर से टप टप कर खून गिरता रहा। वह भयंकर पीड़ा तथा वेदना सह रहे थे। लगभग 3रे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा। अंत में उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। Jesus is taken down from the cross. आज के दिन पुण्य शुक्रवार जिसको कहते हैं, सारी दुनिया में मसीही लोग या क्रिश्चियंस इस दिन को ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का दिन मनाते हैं। इसको पुण्य शुक्रवार कहते हैं। पुण्य शुक्रवार इसलिए कहते हैं कि इसी दिन यीशु ने क्रूस मरण अपनाते हुए लोगों के पापों के पश्चाताप के लिए अपना जीवन क्रूस पर चढ़ाया। इसलिए लोग इसको पुण्य दिन के रूप में मनाते हैं। आज के दिन सभी मसीह विश्वासी उपवास और परहेज रखते हैं और शाम के टाइम में क्रूस के रास्ता में भाग लेते हैं और साथ ही साथ लोगों की मदद करते हैं और उपवास भी रखते हैं।